नानी बाई मायरा उत्सव समिति के तत्वधान में नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य भजन संध्या एक शाम बाबा श्याम के नाम नए साल के पहले दिन आयोजित की गई। भजन संध्या शहर के दशरा मैदान में आयोजित की गई, जहां पर हजारों भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भजन संध्या शाम 6 बजे से बाबा श्याम की माँ आरती के पश्चात प्रारंभ की गई, जिसमें सबसे पहले स्थानीय गायक के द्वारा गणपति वंदना की प्रस्तुति देकर शुभारंभ किया गया। भजन संध्या में सावन नागदा एव साक्षी अग्रवाल और भजन गायक शुभम वर्मा कानपुर ने भी कई भजन प्रस्तुत किए। इसके पश्चात मशहूर भजन गायिका गीताबेन रेवारी मंच पर पहुंची और बाबा श्याम की शान में हिंदी और गुजराती में अनेक भजन प्रस्तुत किए, जिन्हें सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। गीताबेन रेवारी ने देशभक्ति गीत गाकर पूरे दशरा मैदान को मोबाइल की रोशनी से जगमगा दिया। गीताबेन की प्रस्तुति के बाद भजन सम्राट कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ ने भजनों की प्रस्तुति दी और उन्हें बालाजी की स्तुति के साथ कई भजन गाए, जिसे सुनकर श्रद्धालु झूम उठे। बाबा भजन संध्या में बाबा श्याम का दरबार मकराना के महल की तर्ज पर दिल्ली और कोलकाता के कलाकारों द्वारा सजाया गया, जो पूरी भजन संध्या में आकर्षक का केंद्र रहा। बाबा श्याम का दरबार दूधिया रोशनी से जगमगा रहा था। भजन संध्या में नीमच, मंदसौर, चित्तौड़, उदयपुर, रतलाम, इंदौर के साथ कई क्षेत्रों से लोग नीमच पहुंचकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। भव्य भजन संध्या के दौरान कई जनप्रतिनिधि सहित राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित हजारों की संख्या में बाबा श्याम के भक्त जन मौजूद रहे। सजा दी है।